Assalamu alaikum everyone. Hopefully everyone is fine. आज है जनाब वेनसडे, 5 तारीख. That was close. 5 तारीख है. इस वक्त मेरे ख्याल में रात के शायद 9 बज रहे हैं, 9:15, और मौसम बहुत बेहतर है. पिछले कुछ अर्सा ठीक ठाक गर्मी पड़ी है, लेकिन अब यह है कि एक दो दिन से ज़रा अच्छा हो जाता है, स्पेशली इस वक्त. दिन को अनफॉर्चुनेटली वही जो एक हब्स और गर्मी का है मसला, वो अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त जो है बाइक चलाने का बड़ा मज़ा आ रहा है. मेरे ख्याल में ईद के बाद मैं आज निकला हूँ, तो मैंने कहा आज एक छोटा सा व्लॉग भी बना लेते हैं. अभी तक नाइट टाइम का कुछ शेयर नहीं किया, तो नाइट टाइम का आई गेस मेरा पहला व्लॉग होगा. ये क्या चीज़ जा रही है? अच्छा, ये वो है इलेक्ट्रिक स्कूटी, मज़े की चीज़ है. एक मेरे दोस्त हैं, उनके पास ये है. आई गेस 30 किलोमीटर चलती है, और तकरीबन 30-35 किलोमीटर चलती है, और यही उसकी टॉप स्पीड भी है एक चार्ज में. ना फुल मैं आपको बता रहा हूँ, फुल चार्ज में तकरीबन 30-35 किलोमीटर चलती है, और टॉप स्पीड भी उसकी तकरीबन 30 किलोमीटर एन आवर है. किसी वीडियो में आपको वो दिखाऊंगा मैं. होपफुली बाय द वे आप लोगों की ईद वगैरह अच्छी गुजरी होगी. आई फेल्ट लाइक कि इस दफ़ा उस तरीके की मे बी पार्टिसिपेशन, या लोग जिस तरीके से करते हैं जानवर ख़रीदना और जिस क्वांटिटी में जो कुछ होता है, मे बी उस तरीके से नहीं हुआ. मैं ऑफकोर्स ज़्यादा कंट्री वाइड या सिटी वाइड तो नहीं मैं कोई बात कर रहा, मैं अपने जो कम अज़ कम इलाके की भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकता हूँ, और नहीं तो कम अज़ कम अपनी गली के हिसाब से बंदा कर लेता कि अच्छा यार पिछली दफ़ा इन लोगों ने भी लिया था बाइक, इन बाइक का अंदाज़ा करो बाइक सर पे चढ़ा हुआ, इन लोगों ने भी जानवर लिया था, इसने भी लिया था, उसने भी लिया था, तो इस दफ़ा नहीं किसी ने लिया. या अगर पहले कोई अपना जानवर लेते थे तो इस दफ़ा हिस्सा वगैरह डाला है, इससे आपको आइडिया हो जाता कि मे भी अब उस तरीके से वो नहीं है हालात. अच्छा, बाय द वे पिछले व्लॉग में मुझसे लोग पूछ रहे थे वो जगह कौन सी है जहाँ पर मैं बाइक चला रहा था. क्या बात है सर आपकी, डबल इंडिकेटर देके उधर ही ब्रेक मार दी है कि ये स्वैग होना चाहिए, क्या ज़रूरत पड़ी है रूल्स एंड रूल. चलें छोड़ें, बात कहीं से कहीं निकल जाती है. एनीवे तो तू भी लाइट जला ले, अल्लाह दिया बंदिया नेरे चिना. कुछ मुझ जैसे राइडर होते हैं जिनको लगता है कि यार जितनी लाइट लगी हुई है वो भी कम है, हमें भी कुछ नज़र आए और हम भी किसी को नज़र आए, और एक ये जैसे जो है ना शाहीन होते हैं जो ना अंधेरे में इस तरीके से बिल्कुल ही, वो दिया भी नहीं जलाते, बंदा दिया ही जला. हाँ, मैं आपको बता रहा था पिछले व्लॉग में मेरे से पूछ रहे थे लोग कि वो रोड कौन सी है जो मैंने ली थी. एक तो पहली बात तो ये कि उसमें जो मैंने आपको बताया था मेरा माइक थोड़ा सा मस्ती कर गया था, तो वो कुछ रिकॉर्ड हुआ कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ. तो सेकेंडली जो रोड लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जी वो रोड कौन सी है, यार वो रोड है जो इस्लामाबाद सॉरी मरी एक्सप्रेसवे है, उधर से वो एक ऑफ शूट है उसकी निकलती है, और जो जाके कनेक्ट करती है मरी की जो पुरानी रोड है उसको, वो ऑलमोस्ट उस जगह निकलती है जहाँ पे चेयर लिफ्ट्स हैं. एग्जैक्टली मेरे जहन में अब आ नहीं रहा वो क्या नाम है उस रोड का या उस इलाके का. दोबारा मेरा वहाँ का चक्कर लगा तो आई मेक श्योर कि मैं एक प्रॉपर उसका रूट जो है वो अब कैप्चर करके मैं उसको अपलोड करूँ. अच्छा, वैसे तो शदीद किस्म का रश होता है, लेकिन अभी मैं ज़रा थोड़ा ज़रा लेट आवर्स में निकल रहा हूँ, तो इस वक्त जो है ट्रैफिक उस तरह की नहीं आई है. जब इधर से खैर इस्लामाबाद से निकलूँगा ना, और जब रावलपिंडी की हदूद में जब दाखिल होऊंगा ना, तो वहाँ पर रश होगा. अच्छा, बाय द वे ईद तो चलो लोगों की जैसी हो गई सो हो गई, कम जानवर थे ज़्यादा जानवर थे वो छोड़े वो जो बहस है, लेकिन एक चीज़ जो हम लोगों ने नहीं छोड़ी ना वो ये है कि जितनी भी जानवरों की आलाइशें हैं ना, हम लोगों ने सजा संवार के ना
अपने घरों के सामने जो है ना सजाने का उनका जो है हमारा तौर तरीका तहजीब हमारी हम लोगों की वो हमने वो तेरी खैर फायरिंग हो रही है वो चीज़ हमने जो है ना नहीं छोड़ी। खैर से इस दफ़ा भी जो है ना हमने सारा जो गंद बुलाया वो या तो अपने घरों के सामने और अगर आप ज़्यादा ही अग्रेसिव फील कर रहे हैं तो पड़ोसियों के घरों के सामने जो है ना डाला। अब ये जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे इर्द गिर्द अच्छी खासी वॉजस सो कॉल्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं यार, वहाँ से घरों के सामने से कुछ घरों के सामने से गुजरा नहीं जा रहा था ये जो ईद के दो चार दिन गुजरे हैं। पड़ा हुआ है जनाब गंद उधर ही और जो बुएँ मार रहा है अल्लाह माफ़ करे यार, को खौफे खुदा कर लो चार कनाल के घर में तुम रहते हो, अल्लाह ने वो बंदे हो कुछ तो ख्याल करो ना, कोई उसको प्रॉपर तरीके से किसी वो जो बड़े बैग होते हैं ट्रैश बैग जो होते हैं बिन लाइनर होते हैं बड़े वाले उनमें डाल गए कोई तीन चार दफ़ा वो इसको बकौल देसी जो अल्फाज में शॉपर डबल करके उनको डाल के तुम लोग उनको कहीं पे किसी तरीके से प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करो इन सोसाइटियों के। आई एम प्रीटी श्योर अपने भी वो गारबेज जो कलेक्टर वाले हैं इन दिनों में वो खासे एक्टिव होते हैं क्योंकि उनको ये भी होता है कि यार चलो चार पैसे बन जाएंगे, और वैसे भी सोसाइटीज़ की जो भी वो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो बॉडी होती है वहाँ की दे ऑल्सो मेक श्योर वो कि जी कोई इस किस्म का गंद बुलाना फैले, लेकिन नहीं लोगों ने नहीं बाज आना अपने खुले बिन्स के अंदर जो है वो उसी तरीके से आपने जो है ना गुजरा नहीं जाता वहाँ से इस तरीके से स्मेल आ रही होती है। सफाई निस्त ईमान है कोई कुछ कर लें उसके बारे में भी थोड़ा क्या लें। खैर मेरे ख्याल में बहुत भाषण हो गया, तेरी खैर जवाना पता नहीं आया कैमरे में नहीं आया, कट मार मूर के निकल गया। एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी वो थोड़ा बहुत जो लोगों को शौक़ होता है बाइक्स थोड़ा बहुत अल्टर करने का शौक़ होता है, इंजन चेंज कर लिया थोड़ा बहुत उसकी ड्राइव लाइन में अपग्रेड कर ली, में जो है थोड़ा बहुत आपने ख्याल करना होता है कि उसकी रिलायबिलिटी किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि ठीक है आप छोटे बाइक के चैसी में एक बड़ा इंजन डाल लेंगे लेकिन व्हाट आर द चांसेस कि वो बाइक रिलायबल भी होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार ये कि आपको थोड़ा एक रिलायबल और एक ट्रस्टवर्दी कंपेनियन चाहिए फिर आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। शहजादा ये जो भाई साहब ये आप किस लाइन में आ गए, ये चेक करो इसको, ये चेक करो इसको, ये तो हाल है इस कौम का, इसने तरक्की करनी है। जो राउंड अबाउट है ना इसमें कुछ दिन पहले मैं आ रहा था तो ज़्यादा ही थोड़ा क्या उसे कहेंगे स्पिरिटेड एंट्री मैंने मारी और एक दफ़ा मेरा ज़रा टोक्यो ड्रिफ्ट हो गया था। उसकी डैश कैम की फुटेज कैमरे में भी लग रहा हो कि ज़रा स्लो स्पीड में काम हो रहा है लेकिन उतना स्लो था नहीं। यहाँ पे कौम के रखवाले खड़े होते हैं इस वक्त, कोई नहीं खड़े हुए बड़ी बात है, चलेंगे होंगे रखवाली करके। चलें जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।